वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस co कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की, की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आ, आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य राम हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई एम रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें, हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे चे की कास्टिंग प्रेजेंट भी की है आप लोगों को मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवल मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस, इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्यराज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेम भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जाने से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह का टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है तो यहां पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सेलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को को डेफिनेटली इस मूवी एक एक चांस चांस देना चाहिए आप आप लोग देंगे तो लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवल मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य राज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं, हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य राम हो गए और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप आप लोगों लोगों के सामने मूवी मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है को को डेफिनेटली इस को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सेलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य राम हो गए और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सेलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आ, आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी आप… जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने, देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्यराज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेज भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जान से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफ़ी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है तो यहां पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासान नहीं पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्या राज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत धिबूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी है वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के व्याँ व्याँ सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवल मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्या राज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जाने से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एव मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सेलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप आप लोगों लोगों के सामने मूवी मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को को डेफिनेटली इस एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवल मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या, एक क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य राज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी है वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासान नहीं पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य राज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई एम डी बी रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं तो थिच्च्च यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवोल मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी है वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य राम हो गए और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड तो बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एव मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल well, तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सेलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य हो गए और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई एम रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को को डेफिनेटली इस मूवी एक एक चांस चांस देना चाहिए आप आप लोग देंगे तो लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बखूबी ये मूवी तो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफी अच्छे प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस 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 दे सकते हैं। आप आप लोग एक चांस देंगे, तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्या राज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे से यहां पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफी अच्छे प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस 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 दे सकते हैं। आप आप लोग एक चांस देंगे, तो आप लोगों का जाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह का टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासान नहीं पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्या राज हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट जोंन एवल मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी है वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासान नहीं पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर जे बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप लोगों के सामने मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन तो इसकी आई रेटिंग है एंड सेवेंटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे, श्यारी. श्यारी आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड तो आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी वेल तो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की एक ऐसी मूवी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर बनाई गई है इस तरह के टॉपिक पर मैंने आज से पहले कोई भी मूवी नहीं देखी थी और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी कुछ जो है वो देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रखी गई है एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी सिंगापुर सलोन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंगापुर सेलून के बारे में इस मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो सबसे पहले हम लोग कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स रखे गए हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें, हमें देखने को मिल जाते हैं जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर बालाजी देखने को मिलेंगे मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को किशन दास देखने को मिलेंगे दीक्षा देखने को मिल जाएंगी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से सत्य रा हो गए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी आप आप लोगों लोगों के सामने मूवी मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को को डेफिनेटली इस एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिल जाती है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाता है और ये सारा कुछ आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस 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 दे सकते हैं। आप आप लोग एक चांस देंगे, तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा इसकी आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की ही बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि परसेंटेज जानना भी बहुत ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो इस मूवी की जो है वो परसेंटेज काफी अच्छी रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन आई एम डी बी रेटिंग है एंड सेवेंटी फोर परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी का जेनर जो है वो कॉमेडी है थ्रिल है ड्रामा है ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बखूबी यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड ये सारा कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी थ्रिल है और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो गोकुल ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं बात करूं इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या ये इनकी फर्स्ट एवल मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में भी काफी सारी मूवीज है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और ये मूवी भी काफी अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है बाकी ये मूवी की अगर हम बात करें तो ये एक तमिल जुबान की मूवी है जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दी